अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट GM अहबर और एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ आपके पास आपकी खिदमत में A1 ग्लोबल TV UK की जानिब से। तो आज मेरे साथ एक माया नाज फनकार हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी सिंगर, बहुत से हिट गाने दिए हैं उन्होंने पाकिस्तान को और आज उन्होंने टाइम दे दिया उनकी मेहरबानी। तो तारुफ करवाने जा रहा हूँ, मैं नाम लेने जा रहा हूँ, नाम आपने सुना होगा, ये है ज़रका अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ जी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो जितने हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चैनल की कि उन्होंने आज मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। बहुत खूबसूरत ये बातें भी करती है, ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुना रही है। बड़ा अच्छा रहेगा प्रोग्राम हमारा। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल ये करूँगा कि आप सबसे, मैं यही सवाल करता हूँ सबसे पहले कि इस प्रोफेशन में किस तरह से आए हो आप? जी मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में। तो शौक था बचपन से सुरीले लोगों को, अच्छे लोग जो जैसे कि मेहदी हसन साहब हैं, मैडम नूर जहाँ जी हैं, लता जी हैं और ग़ुलाम अली खान साहब हैं, इनको सुनती थी। तो फिर वो पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, मुकम्मल सपोर्ट जी 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 पेरेंट्स की तरफ से है जी, बिल्कुल जी। मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं, वहाँ से भी थोड़ा सा। अच्छा, तो क्या क्या कहाँ से शुरू किया आपने, कब पहला सॉन्ग किया आपने? पहला जो मैंने सॉन्ग किया था वो बड़ा प्यारा सॉन्ग है, माही जे तुरुसे आई रहना, और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया और मुझे बड़ी उसे अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी। जी, पहला इनका सॉन्ग था और ये हिट सॉन्ग है इनके सब सॉन्ग में से सबसे ज़्यादा। तो मैं फरमाइश करता हूँ इनसे कि ये थोड़ा सा गुनगुना के सुनाए हमें। जी ज़रूर, जी ज़रूर। माही जे तुरुसे आई रहना, हंजुआ ने डोली दे रहना, माही जे तुरसे आई रहना, हंजुआ ने डोली दे रहना, सजना दे नाल कोई इंज तेनी रुसदा है, असा तेनू होर की कहना, माही जे तुरसे आई रहना, हंजुआ ने डोले दे रहना, मुख में तो मोड़ के तो दुख मैनू देना है, नजरा चुरा के मेरी जान कट लेना है, मुख में तो मोड़ के तो दुख मैनू देना है, नजर चुरा के मेरी जान कट लेना है, तेरे नाल हर खुशी है, तू यो मेरी जिंदगी है, प्यार दा दुख नहीं हो सेना, माही जे तुरसे आई रहना, हंजुआ ने डुल दिया रहना। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने हमारे सामने, नाज़रीन के सामने पेश किया। खूब गायकी करती हैं ये। तो ये सॉन्ग बड़ा हसास सॉन्ग है, तो क्या कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई मरहला आया आपने ये सॉन्ग किया, या ये आपका आपने इन होना था इस फील्ड में तो आपको किसी ने लिख के दिया? बात ये है कि ये ज़िंदगी है ही एक मरहला, ये तो एक एक या दो बातें नहीं है, ये सारी ज़िंदगी एक मरहला ही होती है। तो ये मुझे सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे हमारे मिलने वाले, हमारे बड़े प्यार वाले बंदे थे, उन्होंने ये मुझे सॉन्ग ना गिफ्ट किया, तो फिर मैंने। आमतौर पे सिंगर्स होते हैं ना, तो उन्हें जिंदगी में कहीं कहीं धोखा मिलता है, चोट लगती है, तो इस तरह का सॉन्ग करते हैं तो वो हिट हो जाते हैं। इस तरह की स्टोरीज भी जो है वो फिल्म के अंदर भी चलती है। हाँ जी, हाँ जी, होती है जिंदगी में भी इस तरह की स्टोरीज होती है। हाँ जी जी, होती है जी, होती है। इनको कोई चोट छोटी लगी, ये सॉन्ग लिख दिया गया, इसकी कंपोजिशन दी गई, उन्होंने इसे बहुत खूबसूरत निभाया। तो इसके अलावा मजीद आपने किस किस के साथ काम किया, किस किस से सीखा, आप अपने बारे में बताएं जरा नाज़रीन को, नाज़रीन बहुत जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। मेरे सिर्फ एक ही उस्ताद हैं और उन्हीं की मैं शागिर्द, उनका नाम है उस्ताद ग़ुलाम अली खान साहब। तो मैं बेसिक जो है वो गज़ल गीत पंजाबी ये गाती हूँ,
तो फिर वो आपको पता है फिर वक्त के हिसाब के साथ जो कोई फिर कोई लिख दे कोई प्यार से फिर वो गाना पड़ता है। अभी मजीद आगे क्या कर रही हैं आप, कुछ सॉन्ग आगे? मैंने पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं बड़े अच्छे, अभी हाल ही में वो रिलीज होने वाले हैं ये 2-3 दिन में ना, तो बड़े अच्छे प्यारे गीत हैं वो भी। मौसम का मज़ा सिंगिंग मौसम के साथ तो बड़ा खूबसूरत उसका अमल दखल हो जाता है। तो हमारे साथ आज बड़ी सिंगर बैठी हुई हैं ज़रता अली, तो जो इन्होंने नया सॉन्ग बनाया है वो सुनते हैं, उनसे एक अस्थाई कुछ गुनगुना दें। जी ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया। पक्के करके कौन करारे, पक्के करके कौन करारे, ढोला मुकर गया है ओ माया मुकर गया, पक्के करके कॉल करारे ढोला मुकर गया है ओ माया मुकर गया, मैं डरों नाल वपारे, मैं डरों नाल वपारे, देखे लारे ढोला मुकर गया है ओ माया मुकर गया। मैं दे नाल मोहब्बता पाके गया भूल एतबार जमा के, मैं दे नाल मोहब्बता पाके गया भूल एतबार जमा के, कसमा जाके ढोला मुकर गया है ओ माया मुकर गया। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत खूबसूरत आवाज। तो आपने अभी बताया हमें कि आप गायकी के हवाले से आपको सपोर्ट मिली घर वालों की तरफ। हाँ जी, जी, आमतौर पर जो सिंगर्स होते हैं उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई मुश्किल हर्डल तो आपकी लाइफ में आई होगी, अगर है तो वो जरा नाज़रीन के साथ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जो स्ट्रगल है ना ये होती ही मुश्किलात हैं, जब इंसान इस फील्ड में आता है तो फिर उसके बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है, फिर कहीं जाके वो फिर खुदा को पता होता है कि कब उस पे कर्म, वो एक वक्त होता है। कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा वाकया जो नजर आया कि इसमें मुश्किल आपको पेश आई और आपने किस तरह से उसका मुकाबला किया, ताकि लोग भी जो है ना डर जाते हैं, हम जैसे लोग जो है ना वो कोई मुश्किल आते तो था यार मैं नहीं ये कर रहा काम, कोई और कर लेता हूँ, तो आपने किस तरह से आप उस लेवल के ऊपर रही हैं, उस मुश्किल को आपने फेस किया और फिर आपने अपना मुकाम पाया, कुछ ऐसा है तो प्लीज शेयर करें जी। जब मैंने सीखना शुरू किया तो हमारा जो घर है ना वो हमारे उस्ताद जी के घर से ना 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमने वहाँ से बारिश में सर्दी में मैं और मेरे वालिद साहब होते थे साथ, तो हमने जाना करना ना वहाँ से, बड़ी सर्दी होनी बड़ा, लेकिन वो इश्क था इस काम से, मोहब्बत थी। सर्दियों को पार करते हुए आप जो है ना, बिल्कुल जी, ऐसा भी होता था कि रात मैं 4 बजे जाती थी सुबह, दिन का जो दोपहर के 4 बजते हैं मैं 4 बजे जाती थी, और जो फजर के टाइम के 4 होते हैं उस वक्त मैं घर जाया करती थी, रियाज करती थी, उधर बैठती थी, ज्यादातर तो मैं सुनती थी, कम ही गाती थी। अच्छा अच्छा, अब ये बताएं कि कोई इंटरेस्टिंग वाक्या जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, बंदा बैठे बैठे हंस पड़ता हो, कोई ऐसा जिंदगी का वाक्या, शरारतें तो लाइफ के साथ ही होते हैं, ये तो कोई एक वाक्या तो याद नहीं होगा, लेकिन मेरी लाइफ का जो सबसे खुशी का जो मैंने अपने लाइफ में कोई वक्त देखा है तो वो वाला था जब रस्म शागिर्दी थी, उस दिन मैं बहुत खुश थी, जब मुझे उस्ताद जी ने गंदा बांधा तो मैं बहुत खुश थी, सबसे ज़्यादा खुश। वो चीज़ आपको याद आती है तो आपको फख्र महसूस? बहुत जी बहुत, वो जब मैं क्लिप बनते हैं ना, लोग क्लिप भी बनाते हैं तो वीडियो भी पास है मेरे, वो जब मैं देखती हूँ तो मैं सारे गम भूल जाती हूँ। घर में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है, माँ बाप भाई कौन? मेरे वाल साहब। और मोहब्बत सबसे ज्यादा कौन करता है? वही करते हैं। और सबसे ज्यादा फ्रेंड भी आप उन्हीं के साथ? वो भी बिल्कुल, बिल्कुल। सारी बहारें उन्हीं के साथ है ना। बेटियां जो होती हैं ना वो जो बाप होते हैं ना उनकी जान होती है, तो माशाल्लाह ये आपके सामने नजर आ रही है, ये अपने वालिद साहब की जान यहाँ तक पहुँचाने में इन्हें इनके वालिद साहब का किरदार है, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वालिद जो अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं वो दे देते हैं। आज
के दौर में लोग जब डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर बनाना है, ये क्या करना चाह रहा है ये कोई नहीं सोचता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वालदैन के लिए कि बच्चा जो करना चाह रहा है जो उसके उसमें टैलेंट है आप उसको उसी की तरफ लेके जाएं। चले जी नाजरीन, नाजरीन बहुत मज़ा आ रहा है बात करने का। हमें जरका अली हमारे साथ बैठी हुई हैं और बड़े खूबसूरत गाने सुना रही हैं। तो अभी आपका जो नया कोई सॉन्ग आ रहा है उसके बारे में बताएं, कौन सा कोई सॉन्ग आ रहा है आपका? वो है जी ढोला मुकर गया, बड़ा प्यारा गीत है और जख्मी शायर हैं बड़े प्यारे हमारे मुल्क के, उन्होंने वो मुझे गिफ्ट किया है सॉन्ग। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनसे ये सॉन्ग सुना है ढोला मुकर गया। तो क्या ढोला मुकर, आपका पहला सॉन्ग भी था वो भी इस तरह से था, अभी भी ढोला मुकर गया, तो वो कौन है जो मुकर गया बताएं हमें, हम उन्हें सुना के लाते हैं, कोई ऐसा सीन है तो बताएं। हम तो इस काम में पड़ा थे, मैंने बड़े नकार करवाए दोस्तों के अलावा मैरिज करवाई है। अच्छा, वो ये है ना कि वो ढोला ऐसा है कि जो जब ढोला ही मुकर गया तो फिर क्या कर सकते हैं, घुमराना तो वो रूठे हुए को मना सकते हैं आप, लेकिन मुकरे हुए को आप मना नहीं सकते। ला के यहाँ में बिठा लेता है अभी, क्यों ऐसा तो हो सकता है ना। चलिए जबरदस्त हो गया। तो फिर आगे क्या मुस्तकबिल में क्या इरादा है, शादी के बारे में क्या आपके ख्याल आते हैं? फिलहाल तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बाकी वो खुदा के टाइम है। मतलब कुछ सोचा भी नहीं दिमाग में कोई आइडियल के मैं किसी सिंगर से शादी करूंगी? नहीं, कुछ भी नहीं फिलहाल तो। फिलहाल तो अपने काम से ही शादी है। जबरदस्त हो गया जी, काम काम के साथ ही। और जो भी इनको शहजादा मिलेगा अल्लाह करे इनको बहुत खुश रखने वाला शहजादा मिले जो इनके फन को भी साथ लेके चले और इनको भी साथ लेके चले जिंदगी भर। तो बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करने का, दिल नहीं कर रहा कि मैं अभी प्रोग्राम को एंड करूँ क्योंकि गाने बड़े अच्छे गाए इन्होंने। तो आपका भी दिल नहीं कर रहा होगा तो हम इनसे एक पैगाम लेते हैं आपके लिए जाते हुए, नाज़रीन के लिए कोई ऐसा पैगाम दीजिए जिनसे उनकी ज़िंदगी संवर जाए। जी वो यही पैगाम है कि दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान ने यहाँ पे एक परफॉर्म करके चले जाना है, और मैं ये कहती हूँ कि जो परफॉर्म करता है वो अपने दिल से अपनी रूह के साथ अपने काम से मोहब्बत करे, चाहे वो कोई भी है, सिंगर है, डॉक्टर है, जज है, कुछ भी है, लेकिन वो अपने काम के साथ सिंसियर रहे बस। जी आप लोग भी सिंसियर रह के हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।